अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज की जो वीडियो है वो कुछ इस तरह की है कि हम अक्सर जो है अपनी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए बना लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें वॉइस का हमारा बहुत मसला होता है कि बहुत स्लो जो है वो वॉइस हमने होती है, और उसके बाद अगर पेज की बात की जाए तो पेज भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। तो आज की वीडियो जो है वो कुछ इसी के रिलेटेड है कि हमने अपनी वॉइस को भी कैसे ऊंचा करना है और उसमें म्यूज़िक भी कैसे ऐड करना है। ये म्यूज़िक मैंने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लिया है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो उसका साइज़ भी कैसे सेट करना है। तो शुरू करते हैं। आपके लिए एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो मेरे पास फिल्मोरा 9 मौजूद है, फिल्मोरा 10 में भी होता है, ये 7, 8 जितने भी इनके कह लेंगे सेटअप है सब में मौजूद है सेटिंग्स। तो अभी हम फिल्मोरा 9 का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। छोटा सा काम होगा, सिंपल सा काम होगा, लेकिन उसकी वजह से जो वीडियो की एडिटिंग है वो काफ़ी हद तक आप लोगों की ठीक हो जाएगी। उसका जो रिज़ल्ट है कह लेंगे सेटिंग है उसकी वॉइस की, वो भी काफ़ी बेस्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक मरतबा खुल जाए, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ उतनी देर के लिए, बल्कि ये खुल ही गया है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने 16:19 का पेज लेना है, ये बात याद रखनी है ताकि यूट्यूब की जो फुल स्क्रीन वीडियो वो इसी के मुताबिक हो, और उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है, ठीक है। अब मैंने जो ये वीडियो है इसकी सेटिंग करनी है, इसको मैं फिल्मोरा के अंदर जो है वो सेंड कर लेता हूँ। ये फिल्मोरा के अंदर आ चुकी है, ठीक है, और मैं अपना जो म्यूज़िक इसमें अटैच करना चाहता हूँ हल्का सा, ताकि अगर वॉइस में कहीं पर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ेशन हो जाए या फिर आप खामोश हो जाते हैं दुराने वीडियो, तो वहाँ पर म्यूज़िक जो है वो आपके व्यूवर्स हैं उनको ज़रूर दे। तो अभी यहाँ से 19:20:10:80 करता हूँ, और अभी देख लें ये मेरा जो साइज है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ दोनों साइड से ब्लैक है, यानी कि फुल 19:20 मेरा पेज नहीं है। इसको यहाँ से बराबर करके मैंने इसको ऐसे खींच लेना है। अब यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। व्यूअर्स, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये स्लो आवाज़ है, इसके दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से आप ऊँची कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको लगे स्लो तो मैं उसका भी तरीक़ेकार बताता हूँ। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप जो है इसकी ऑडियो में जाएं और यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ख्याल ये रखना होता है कि ये जो लाइनिंग है आपकी ये बाहर ना जाएं, इसको थोड़ा सा कम रखना होता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब दोबारा इसमें मैं इस वीडियो को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसके डिटेक्ट ऑडियो में चला जाता हूँ, और ऊपर वाली वीडियो को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसका भी यही तरीक़ेकार है, इसकी आवाज़ को मैंने फिर ऊंचा कर दिया। अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी आवाज़ कम आए और मैं ज़्यादा करना चाहता हूं, तो फिर एक दफ़ा आप इसको डिटेक्ट ऑडियो पे जाके क्लिक करें और इसको यहां से ऊंचा कर लें। तो अब मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूं। व्यूअर्स, कैसे? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज की हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको इन पेज ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने म्यूज़िक ले लेना है, म्यूज़िक को आपने नीचे लगाना है, और म्यूज़िक को इतना रखना है कि कम से कम वो हल्का सा सरूर दे, ये ना हो कि म्यूज़िक ज़्यादा हो, ठीक है। प्ले करके चेक करते हैं। 3 का थोड़े से कमाल दिखाऊंगा कि जिसमें हम बग़ैर लिखे जो है। अच्छा, अब इसको कॉपी करूँगा मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये काम मैं अभी तो ये हो गया। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बराबर कर लेता हूँ, और पीछे से इसको या ऐसे यानी कि कम ज़्यादा कर लूँगा पकड़ के, नहीं तो फिर मैं अगर ज़्यादा कोई गड़बड़ेशन हो यानी कि ज़्यादा लंबा म्यूज़िक हो, वीडियो छोटी हो, तो इसको मैं यहाँ से कट करके डिलीट कर दूँगा। तो ये मेरी जो वीडियो की कह लें कि सेटिंग है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इसमें अगर हम अपने वो मोनोग्राम वगैरह भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही एडोब का काम स्टार्ट करता हूँ तो फिर वो मैं आप लोगों को बनाने का तरीक़ेकार समझा दूंगा। अच्छा, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और अब हम सेटिंग में से हमने यहाँ पे बेस्ट कर लेंगे तो ये रेगुलेशन जो हमारी है वो बेस्ट आएगी, और उसके बाद ये देख लें सेटिंग, ठीक है, और क्वालिटी तीनों पड़ी हुई हैं, और पेज जो है वो मैं 19:20:10:80 का लेता हूँ, ठीक है, और अगर इससे भी ज़्यादा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो वीडियो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100 लिख दिया, ठीक है, 5 मिनट 21 सेकंड की वीडियो है, 390 MB 25 जो है इसके फ्रेम है पर सेकंड के। तो यहाँ से आप अगर फ्रेम भी ज़्यादा करना चाहें तो फ्रेम भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे 360 जो है ना इसके पर सेकंड के हिसाब से जो फ्रेम है वो बन चुके हैं, और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ।
अब इसको जो टाइम लगेगा वो आपकी वीडियो के और आपकी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं, और बकाया जो इसका टाइम है लगेगा वो कह लेंगे कुछ इसी हिसाब से बकाया। इसकी मैं कुछ और चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ, अब ये वीडियो को बल्कि कैंसिल कर दूँ, बाद में ही इसको लगाऊंगा। अच्छा जी, इसमें जो है हमारे पास ट्रांजैक्शनें भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, इनके भी काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास अफेक्ट भी पड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी हमारे काफ़ी जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको लगाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ये देख सकते हैं, ठीक है। बाज़ टाइम कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें ब्लर वगैरह भी पड़े होंगे तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे जो तीर का निशान है ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ये नेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा जी, टाइटल हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये टाइटल हैं, ठीक है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो में, ये अच्छा नहीं लगा, इसको डिलीट करते हैं और कोई इस्तेमाल करते हैं। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो तरीके बता रहा हूँ जिनकी मदद से अगर आपको बिल्कुल भी काम का नहीं पता तो आप जो है वो काम के काबिल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाक पंजाब स्टूडियो, ये मैं उसी पे देने वाला हूँ, तो मैं ओके करता हूँ, अब इसको प्ले करके देखता हूँ ये कैसा लगा मेरे चैनल पे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, और उसके बाद यहाँ से, ठीक है, तो ये कुछ मज़ा नहीं आया इसमें, मैं स्पेस डाल देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑडियो पड़े हुए हैं, ये मैं यूट्यूबरों को ख़ास तौर पे यही हदायत करूंगा कि ये वाले ऑडियो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑडियो लगाना है तो आप जो यूट्यूब का ओरिजिनल है ऑडियो वो लगानी है। ये ट्रांजैक्शनें पड़ी हुई हैं, इनके भी काफ़ी कमाल हैं, नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँगा इस पर पूरा ट्यूटोरियल कि ये चीज़ें हमारे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ इसके रिलेटेड ही है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाते हैं कि वो किस तरीके से अपनी वीडियो को पायदार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।